शेखुपुरा के बाजारों में ईद की खरीदारी का रश अरूज पर है। बच्चे, खवातीन और मर्द सब ईद की तैयारी में मगन हैं। ज्वेलरी, जूतों और गार्मेंट्स की दुकानों में शहरियों का काफी रश दिखाई दे रहा है, मगर शहरी बढ़ती हुई कीमतों से बहुत परेशान हैं। बच्चों के लिए कपड़े लेने आया हूँ, क्योंकि आजकल की महंगाई के दौर में अनसिले कपड़े लेने में बहुत मजबूरी होती है, वो मुश्किल पेश आती है, क्योंकि दर्जी के पास जाए तो वो इस ईद के मौके पर महंगाई के दौर में बहुत रेट बढ़ा देते हैं। गार्मेंट्स की दुकानों पर कपड़ों की वैरायटी और नित नए डिजाइन दस्तयाब हैं। दुकानदारों का कहना है कि मुनासिब दाम की वजह से लोग रेडीमेड कपड़े खरीदने को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। रमजान के पहले से तो हम बिल्कुल फारग बैठे हुए थे, अब रमजान का जो माहौल होता है आपको पता ही है, कस्टमर बहुत ज्यादा है, और जो गार्मेंट्स की वैरायटी होती है आपको पता है सस्ती भी होती है और मेयारी भी होती है, तो ये हर कस्टमर की पहुँच में होती है, तो अनस्टिच का तो नहीं कह सकते, बाकी सिले हुए का माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। खरीदारों का कहना है कि सिले सिलाई कपड़े कीमत और क्वालिटी में अच्छे होते हैं। मार्केटों में इस वक्त मुख्तलिफ मियार के तैयार कपड़े दस्तयाब हैं, जो खरीदारों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। कैमरामैन नुमान शाह के साथ मोहम्मद आसिफ, पब्लिक न्यूज़।